Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है हंटिंग सोल्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान अंधेरे रास्ते से जहां माइक नाम का एक आदमी पागलों की तरह भटक रहा था। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। अचानक रास्ते के एक मोड़ पर वो एक दूसरे आदमी से टकरा जाता है जिसका चेहरा हम देख नहीं पाते। ये बंदा माइक को उसके माथे पर शूट कर देता है और ठीक यहीं पर माइक का सपना टूट जाता है। पिछले कई रातों से उसके साथ ये सेम चीज रिपीट हो रही थी, वो भी रात के 3 बजे के आसपास। डर से उसका पसीना छूटने लगा था। उसके हालत से उसकी वाइफ एंजी भी परेशान थी, मगर माइक उसे कुछ नहीं कहता। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगता है, मगर अचानक से उसे बहुत ठंड लगने लगती है और अपनी बेटी सोफी भी दिखती है कमरे के एक कोने में। वो उसी की तरफ देख रही थी। माइक उसे बहुत बार बुलाता है, मगर सोफी को जवाब दिए बिना ही दीवार के अंदर से उस पार गुजर जाती है। माइक फ्रीक आउट करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने अभी अभी जो देखा वो सच था या सपना। दूसरी तरफ एंजी उसके बातों को समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे ना कुछ दिख रहा था ना कुछ फील हो रहा था। ठीक उसी वक्त उन्हें सोफी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो माइक को बुला रही थी। जब माइक उसके कमरे में जा पहुंचता है तो सोफी बताती है वो मूव नहीं कर पा रही है, उसे हर तरफ अंधेरा दिख रहा है और उसे बुखार भी है। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है और माइक उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागता है। वहां पर उसकी बात होती है डॉक्टर थॉमस से, जिनसे हमें पता चलता है सोफी को एक अजीब बीमारी है जिसे वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसे रात में स्लीप पैरालिसिस हो जाती है, कभी कभी उसका ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाता है और वो हाइपोग्लाइसेमिक है और मैलन्यूट्रिशन का शिकार भी। माइक को तो समझ ही नहीं आता कैसे एंजी और वो खुद अपने सामने बिठाकर उसे भर भर के खाना खिलाते हैं, फिर भी उसके शरीर में न्यूट्रिशन की इतनी कमी कैसे, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है उसमें। डॉक्टर थॉमस सोफी को अंदर ले जाते हैं उसका चेकअप करवाने। तभी उन्हें उसके पीठ पर कुछ मार्क्स नजर आते हैं जिनके बारे में सोफी को कुछ नहीं पता। डॉक्टर थॉमस को शक होता है कहीं वो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार तो नहीं। जब माइक और एंजी भी इस बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर देते हैं तो डॉक्टर सोशल सर्विस को इन्फॉर्म करते हैं। उस रात के लिए सोफी को हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रुकते हैं उसके ही केबिन में। रात में अचानक माइक की नींद टूट जाती है किसी के रोने की आवाज से। सोफी रो रही थी, वो भी नींद में। माइक उसे फिर से सुला देता है और ठीक तभी उसे कमरे के बाहर किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है, साथ में किसी जानवर के ग्राउलिंग की आवाज भी। मगर चेक करने पर उसे कोई नहीं दिखता, पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। दूसरी तरफ सोफी के मेडिकल हिस्ट्री चेक करते वक्त डॉक्टर को एक शॉकिंग बात पता चलती है। बात यह है बस 1 महीने पहले इसी हॉस्पिटल में कार्ल नाम के एक बच्चे की मौत हुई थी। उसे भी यही सेम बीमारी थी। सिम्टम सारे के सारे सेम है, वही टायर्डनेस, मैलन्यूट्रिशन, ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाना, फेंट हो जाना, फीवर, इवन वो मार्क्स भी सेम टू सेम। शायद इसलिए डॉक्टर और ज्यादा कंसर्न थे सोफी को लेकर। कार्ल को तो वो लोग बचा नहीं पाए क्योंकि उन्हें बीमारी समझ ही नहीं आई, तो अब क्या सोफी की हालत भी सेम होने वाली है। जब ये बात माइक को पता चली वो कार्ल के माँ मेरी से कांटेक्ट करने लगे, उनसे पूछने लगे कार्ल के साथ आखिर हुआ क्या था। मगर मेरी अचानक बहुत घबरा जाती है इन सवालों को सुनकर और फोन काट देती है। माइक को बस एक विस्परिंग सुनाई देती है जो कहती है यू कांट सेव हर। माइक को कुछ समझ नहीं आता, ना उसके पास वक्त था, उसे जल्द से जल्द ऑफिस जो पहुंचना था। सोफी के इलनेस के कारण पिछले कुछ महीनों में उसने बहुत सारे छुट्टी ली थी। वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था और इस वजह से उसके बॉस उससे नाराज थे। उसे फाइनल वार्निंग भी मिल चुका था कि अगर उसने एक और दिन भी छुट्टी ली तो उसकी नौकरी तो गई। एंजी ऑलरेडी अपनी जॉब क्विट कर चुकी है, फैमिली में अर्निंग मेंबर बस वही है, तो उसे कुछ भी करके अपने इस जॉब को बचाना था। मगर कैसे, सोफी के इस हालत में वो उसे छोड़कर काम पे कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकता है। उधर उसके निकलने के साथ साथ ही सोशल सर्विस से एक लेडी सोफी से मिलने आती है, उससे पूछताछ भी करती है, लेकिन उन्हें जैसा जवाब चाहिए था वो शायद उन्हें नहीं मिला। दूसरी तरफ एंजी माइक को कॉल करके इन्फॉर्म करती है सोफी को आज ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
डॉक्टर को लग रहा है सोफी को रात भर नाइटमेयर्स आते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने एक स्लीपिंग पिल प्रिस्क्राइब किया है जिससे शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। माइक फिर से एक बार मेरी से बात करने की कोशिश करता है उसके घर जाकर, जहां उसे पता चलता है कार्ल के पिता को भी लगता था उसकी बीमारी उसके नाइटमेयर से रिलेटेड है, मगर इसे कोई दवाई क्योर नहीं कर पाई। बल्कि जब से वो अपने बेटे के साथ सोने लगे तब से कार्ल धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा था। मेरी को नहीं पता वो क्या करते थे और ना उन्हें बताने का मौका मिला। कुछ ही दिनों के अंदर हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद कार्ल की हालत फिर से पहले जैसे होने लगी और 3 दिन के अंदर ही वो भी गुजर गया। मेरी उसे बचा नहीं पाई। बाद में उसे कार्ल के कमरे में कुछ कागज मिले जिस पर लिखा था यू कांट सेव हिम, मगर ये राइटिंग्स कार्ल के नहीं थे, बिल्कुल जैसे माइक को फोन पर सुनाई दी थी वही सेम डायलॉग। मेरी माइक से बार बार कहती है ये चीज कोई बीमारी नहीं है, ना मेडिकल साइंस इसे ठीक कर सकता है, ये कुछ और है, उन्हें किसी और से मदद लेनी चाहिए। मगर क्या, उसी रात उन्हें आइडिया मिल जाता है। उस रात माइक को घर लौटने में लेट हो रहा था तो एंजी सोफी को दवाई देकर सुला देती है। उसके बाद जब वो अकेली थी घर में कुछ अजीब हादसे होने लगते हैं। उसके सामने एक के बाद एक दरवाजा खुल रहा था, ऐसे कोई कमरे के अंदर घुस रहा था मगर चेक करने पर कोई नहीं दिखता। एंजी काफी डर चुकी थी मगर वो माइक से कुछ नहीं कहती, वो उसे और परेशान करना नहीं चाहती थी इसलिए। मगर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, रात में जब सभी सो जाते हैं ठीक 3:30 बजे हमें उनके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुलता हुआ दिखता है। कोई इनविजिबल एंटिटी एंटर करता है कमरे के अंदर और इमीडिएटली रूम का टेम्परेचर गिर जाता है। एंजी तो लिटरली कांप रही थी और माइक को कोई नीचे खींच लेता है। वो जल्दी से टॉर्च के रोशनी से चेक करता है मगर उसे कोई नहीं दिखता। उसे बाहर से कुछ विस्परिंग सुनाई देती है तो वो बाहर जाता है चेक करने और ठीक तभी कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी माइक उसे खोल नहीं पाता। उधर नीचे मेन डोर पर कोई जोर जोर से धक्का दे रहा था। माइक जल्दी से जाता है देखने मगर वहां भी कोई नहीं था। चारों तरफ रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था, दूर दूर तक कोई नहीं था। इधर घर के अंदर लाइट्स नहीं जल रही थी तो माइक जाता है बेसमेंट में फ्यूज चेक करने। वहां उसे क्लियरली फील होता है उसके साथ और भी कोई मौजूद है, किसी की आहट सुनाई दे रही थी उसे। ऐसे में अनफॉर्चुनेटली माइक का टॉर्च बंद पड़ जाता है और अंधेरे में किसी के सांसों को माइक अपने शोल्डर पर फील करने लगता है। डर से उसकी हालत खराब हो चुकी थी बट फॉर्चुनेटली ठीक उसी वक्त वो कनेक्शन ऑन कर देता है और लाइट्स जलने के साथ साथ वो एंटिटी भी कहीं गायब हो जाती है। उस रात और कुछ नहीं होता लेकिन अगली सुबह माइक अपने नेक पर एक रेड मार्क जरूर नोटिस करता है, ठीक उसी जगह जहां कल रात उसने सांसों के गर्माहट को फील किया था। वो किसी से कुछ नहीं कहता, निकल जाता है ऑफिस और घर में एंजी और सोफी गेस एंड ड्रॉ खेलने लगते हैं। इस गेम में एंजी कुछ ड्रॉ करेगी और सोफी को आंखों पर पट्टी बांध कर कहना होगा वो क्या चीज है। फर्स्ट राउंड ठीक ठाक जाता है, सोफी बहुत एंजॉय भी करती है, मगर कुछ देर बाद ही एंजी को किसी का कॉल आ जाता है तो वो बाहर जाती है बात करने और बाहर से उसे सुनाई देती है कमरे के अंदर सोफी किसी से बात कर रही है, मगर किससे, घर में तो और कोई नहीं है। उधर हम देखते हैं एक डेमोनिक हाथ सोफी के स्केचबुक पर कुछ लिख रहा है। उसके आंखों पर तो पट्टी थी इसीलिए सोफी को लगा उसकी माँ है, मगर जैसे ही असली एंजी अंदर आती है वो डीमन गायब हो जाता है। रह जाता है सिर्फ उसका स्केच जिस पर लिखा था यू कांट सेव हर, बिल्कुल उसी हैंडराइटिंग में जैसे कर्ल के रूम से मिला था। दूसरी तरफ माइक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। वो अपने एक दोस्त रॉन से कल रात के हादसे के बारे में डिस्कस करता है, कहता है उसे लगता है उसके घर में कुछ है, समथिंग अनयूजुअल। रॉन उसे अपने गर्लफ्रेंड से बात करने की सजेशन देता है जो एक साइकिक है, उसे इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ पता भी है, लेकिन माइक राजी नहीं होता। उल्टा वो अपने घर में सीसीटीवी इंस्टॉल कर देता है इसी होप के साथ कि इससे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा। पर उसी दिन उनके साथ जो होता है उसे वो समझ जाते हैं यहाँ पर उनकी लॉजिक किसी काम की नहीं। एंजी किचन में थी, कॉफी पी रही थी, अचानक उसका कॉफी मग कहीं गायब हो जाता है एंड एट दी सेम टाइम दूसरे कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो जाती है तो पता चलता है एक फ्लावर पॉट गिरकर टूट गया है, मगर वो गिरा कैसे और वो कॉफी मग वो कहाँ गायब हो गया।
सोफी तो बाहर अपने डैड के साथ खेल रही है, ये उसकी शैतानी नहीं हो सकती, मामला कुछ और है। एंजी इतना ना सोचकर क्लीनिंग करने लगती है और ठीक तभी टेबल के नीचे से उसे किसी के पैर दिखते हैं, जो दिखने में काफी क्रीपी थे। ये वही डीमन था जो उन्हें पिछले कई रातों से परेशान कर रहा था, अभी तो वो दिन में भी हॉन्ट करने लगा है। डर से एंजी जैसे पत्थर बन चुकी थी, हिल तक नहीं पा रही थी वो। फाइनली किसी तरह खुद को खींच कर वो किचन में जाकर छुप जाती है, लेकिन जब माइक चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। कैसे मिलेगा, वो मॉन्स्टर तो तब तक सोफी के कमरे में पहुंच चुका था। उसका इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो सोफी को खिड़की से बाहर धकेल देता है। बेचारी बच्ची बहुत मुश्किल से कर्टेंस की मदद से अपना बैलेंस मेंटेन कर रही थी। इधर उसके पेरेंट्स को भी उसकी आवाज़ सुनाई दी थी, मगर दरवाज़ा लॉक्ड रहने के कारण वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। फाइनली माइक दरवाज़ा तोड़कर अपने बेटी को बचा लेता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर चुकी थी वो, रो रही थी। माइक और एंजी की हालत भी खराब हो रखी थी। ऊपर से ठीक इसी समय उनके घर आती है कैरन, वो सोशल सर्विस वाली। सोफी के रोने की आवाज़ सुनकर उसे शक होता है और वो उससे अकेले में बात करने की डिमांड करती है। इनिशियली माइक राजी नहीं होता क्योंकि सोफी तब भी डरी हुई थी, मगर एंजी उसे मना लेती है। वो दोनों ऊपर जाते हैं और इधर कैरन सोफी से सवाल जवाब करने लगती है। उसका मेन कंसर्न था कहीं माइक उस पर सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं करता, मगर सोफी उल्टा उसे बताती है वो अपने सपने को लेकर परेशान है, वही सपना जो उसका बेस्ट फ्रेंड कार्ल कभी देखता था, ड्रीम ऑफ डार्कनेस। उसने इतने सोफी को बताया और उसके बाद से सोफी भी उसी सपने को देख रही है हर रात। उसे ऐसा लगता है कि ये डार्कनेस उसे खा जाएगा, लेकिन उसके डैड उसे बचा लेते हैं हर बार। नीचे जब यही बातचीत हो रही थी तभी ऊपर कोई दीवार पर लिख देता है यू कांट सेव हर, मे बी शायद सोफी की बातों को मॉक करने के लिए ही। माइक उसी वक्त भागता है नीचे और कैरन को जाने के लिए कहता है। वो एक और मिनट के लिए भी सोफी को अपने आंखों से दूर करना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या हमेशा अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर पाना पॉसिबल था? शायद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसके कुछ देर बाद ही एंजी जाती है दीवार से उस राइटिंग को क्लीन करने, मगर कोई दरवाजा लॉक कर देता है। दूसरी तरफ सोफी जब बाथरूम में नहा रही थी, वो मॉन्स्टर उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। दोनों को ही माइक बचाता है, मगर उसकी गलती यही थी कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो सबके पीछे कोई प्रैक्टिकल रीजन ढूंढ रहा था। उस रात भी उसे वही सपना आता है, लेकिन इस बार वो अपने खूनी का चेहरा देख पाता है। ये तो उसके पिता है। वो बार बार माइक से कह रहे थे सोफी को जाने देने के लिए, वही सेम डायलॉग यू कांट सेव हर, मगर क्यों? और वो अपने ही बेटे को क्यों शूट करेंगे? अचानक से माइक की नींद टूट जाती है और वो एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है। वो देखता है उसकी सोल अपने शरीर से अलग हो चुकी है और अभी उसे वो सब कुछ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, जो शायद उसने पहले कभी ना देखा है ना सुना है। उसे वो डीमन दिखता है पहली बार, जो सोफी के अंदर से उसके लाइफ फोर्स को सोख कर रहा था। माइक झपट पड़ता है उसके ऊपर, ये सोचे बिना ही कि वो उससे लड़ नहीं सकता। वो डीमन उसे चोक करने लगता है और ठीक तभी एंजी माइक को बुला लेती है। उसकी सोल उसके शरीर में वापस आ जाती है और वो बच जाता है। इस हादसे के बाद माइक और इस मैटर को कैजुअली नहीं लेता। अगले दिन ही वो रॉन और उसके गर्लफ्रेंड होप को अपने घर बुलाता है सारे चीजों को डिस्कस करने के लिए। वो इन डिटेल्स सब कुछ बताता है, अपने सपने के बारे में, घर में हो रहे हादसों के बारे में और कल रात के एक्सपीरियंस के बारे में भी। फाइनली होप उसे एक किताब दिखाती है जिससे वो कन्फर्म्ड हो जाता है कि ये डीमन रियल है, साथ में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। वो लोगों के एनर्जीज कंज्यूम करता है, अपने विक्टिम को तब तक टॉर्चर करता है जब तक उसकी जान निकल ना जाए। फिलहाल उसका टारगेट सोफी है क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे प्योर है, मगर उसके बाद वो एक एक करके सबको मार डालेगा। कल रात सपने में माइक ने इसी डीमन को देखा था जो उसके पिता के रूप में उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली वो एक सोल हंटर है जो अपने लिए एक शरीर ढूंढ रहा है। इसकी कमजोरी बस यही है कि वो बिना परमिशन के किसी को पजेस नहीं कर सकता, लेकिन ये कर्स होने के साथ साथ एक ब्लेसिंग भी है उसके लिए, क्योंकि उसके इस किलिंग स्प्री को रोकने का बस एक ही उपाय है, एग्जॉर्सिज्म। मगर जब तक वो किसी के शरीर के अंदर ना होगा, उस पर कोई एग्जॉर्सिज्म काम नहीं करने वाला। मतलब उसे मारने के लिए पहले उसे एक शरीर देना होगा, लेकिन कौन बनेगा जानबूझकर बलि का बकरा? एक डीमन से पजेस्ड होना कोई आम बात तो नहीं। लेकिन सबसे पहले सोफी को प्रोटेक्शन की जरूरत है,
एटलीस्ट जब तक उन्हें कोई परमानेंट सलूशन ना मिल जाए तब तक। तो होप एक स्पेल के बारे में बताती है जो उनकी रक्षा कर सकती है। काल के पिता भी शायद ऐसे ही कोई स्पेल यूज किया करते थे, मगर ज्यादा दिन नहीं उस डीमन ने उसे मार डाला। पता नहीं इनके साथ क्या होगा। पहले तो एंजी राजी नहीं होती क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था, मगर जब माइक उसे वो किताब दिखाता है तब वो मान लेती है। होप एक रस्सी से बेड के चारों तरफ एक होली सर्कल बना देती है और फिर इंतजार करने लगती है सही वक्त का। देखते ही देखते रात हो जाती है और ठीक 3:30 बजे रोज की तरह वो डीमन आके हाजिर हो जाता है उनके घर में। माइक को सीसीटीवी कैमरा में दरवाजा खुलते हुए दिखता है, साथ में रूम का टेम्परेचर अचानक से ही कम हो गया था, यही साइन से उसके आने का। तो सभी अलर्ट हो जाते हैं और सर्कल के अंदर जाके बैठ जाते हैं, मगर वो बच्ची एज की तरफ थी जहाँ सर्कल का एक हिस्सा टूट चुका था। तो वहीं से वो डीमन उस पर हमला कर देता है और बेड को उछाल कर पटक देता है। वो सर्कल कम्प्लीटली टूट चुका था, कोई भी सेफ नहीं था उसके अंदर। तो सभी इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने। वो डीमन सबसे पहले रॉन को मार डालता है और माइक को बेहोश कर देता है। उसके बाद जाता है बाकियों को ढूंढने। तब तक घर में अंधेरा छा चुका था। होप जाके किचन में सॉल्ट ढूंढने लगती है और एंजी और सोफी घर से भागने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजा लॉक्ड रहने के कारण वो लोग स्टडी में जाके छुपते हैं और उसके बाद स्टोर रूम में। लेकिन इस डीमन को तो जैसे इस हाइड एंड सीक गेम में मजा आने लगा था, वो हर जगह उनसे पहले पहुंच रहा था। एंजी किसी तरह अपने बच्ची को बचाते हुए माइक को ढूंढ निकालती है, उसका सेंस लौटाने की कोशिश करती है, और जैसे ही उसका सेंस लौटता है वो भागता है बेसमेंट की तरफ इलेक्ट्रिसिटी चेक करने, क्योंकि अंधेरे में इस डीमन से लड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में कदम रखता है वो डीमन उस पर हमला कर देता है, मार मार कर उसे कमजोर बना देता है। एंजी और खुद को रोक नहीं पाती, वो भी नीचे आ जाती है सोफी के साथ और वो डीमन सोफी को पकड़ लेता है। वो सोफी को उसी वक्त मार डालता, तो उसे बचाने के लिए माइक खुद को सैक्रिफाइस करता है, उस डीमन को परमिशन दे देता है उसे पोजेस करने के लिए। और क्या, उस डीमन को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। अभी वो और ज्यादा ताकतवर बन चुका था, ऐसे में उसे रोक पाना एंजी के बस की बात नहीं थी। वो सोफी को एक क्लोजेट के अंदर छुपा कर खुद जाती है पुलिस को फोन करने, करती भी है मगर पूरी बात बता पाए इससे पहले उसका फोन कट जाता है। उधर उस डीमन को भी आइडिया लग चुका था सोफी कहाँ है, तो वो उसे मारने जाता है और ठीक उसी वक्त नीचे दरवाजे पे दो पुलिस ऑफिसर्स आके नॉक करते हैं। इससे होता ये कि कुछ देर के लिए उस डीमन का ध्यान भटक जाता है और एंजी बाहर भाग पाती है, मगर सोफी तब भी क्लोजेट के अंदर थी। वो डीमन उसे देख लेता है तो उसे बचाने एंजी को उनके बीच आना ही पड़ता है, मगर वो इस डीमन को रोकने के लिए काफी नहीं थी। ये डीमन उसे चोक करने लगता है, माइक को आवाज लगा के भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आवाज शायद उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। फॉर्चुनेटली होप उन्हें बचा लेती है, वो एक बैट से उस डीमन को मारकर एंजी और सोफी को लेकर बाहर भागती है। लकीली इस बार दरवाजा भी खुल जाता है और बाहर वो तो पुलिस ऑफिसर्स अभी भी खड़े थे। तो जैसे ही वो डीमन माइक के शरीर में उनके पीछे आ पहुंचता है, उन पर हमला करने के लिए ये ऑफिसर्स उसे शूट कर देते हैं। उसका शरीर घायल हो चुका था, दर्द में चिल्ला रहा था वो, मगर शायद उसके अंदर का माइक खुश हो रहा था, उसका परिवार सेफ जो हो गया। उस रात उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है और फिर मेंटल असाइलम में, अभी वही उसका परमानेंट एड्रेस है। लोगों की नजरों में वो खूनी है, सबको लगा सर और माइक पागल हो चुका है, मगर एक पिता होने के नाते उसने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया वो शायद ही किसी को पता है। जानती है तो सिर्फ एंजी, जो अभी भी उससे प्यार करती है और उसके सैक्रिफाइस में उसका साथ भी दे रही। The end. दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक सिंपल सी स्टोरी है, ज्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं है, मगर मुझे जो सबसे बेकार लगी वो ये है कि इस फिल्म में इस डीमन का कोई बैकग्राउंड मेंशन नहीं किया गया, इवन नाम तक नहीं। इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। आई एंजॉयड वॉचिंग दिस फिल्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।